इस तरफ है। देखो इसको अक्सर लोग बढ़ा देते हैं, इनमें लोगों का हाँ 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 नहीं इससे हाथ नहीं लगना चाहिए, यहीं बनाओ यहाँ से बस। देखिए हमारे समाज में एक कमी है और इसीलिए हम लोग भोग रहे हैं। पूरी दुनिया हमारे सामने भीख मांग सकती है, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं हम उनको भिखारी बना सकते हैं, वो हमारे सामने भीख मांगे हैं, लेकिन हम अपनी दुर्बुद्धि के कारण अंधविश्वास। बैठ जाओ बेटे, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, सबको बैठ जाओ, आराम से ऐसे सुनो बेटा, कभी हमारे तरफ वहीं से खड़े खड़े ऐसे यहाँ घूम, बल्कि तुम यहाँ आ जाओ करीब, हमारी आवाज भी उतनी जाएगी, थोड़ी देर इधर फिर थोड़ी देर इधर, अपनी जगह वहाँ घूम जाओ, बैठो यहाँ खड़े ना, और ये हटना मत यहाँ से, हमारी आवाज बराबर जाएगी, चल रहा है ठीक। तो हमारे यहाँ की एक परंपरा क्या बन गई है कि जो हर आदमी जिस काम को करे वही काम हम भी करते हैं, परंपरा बन गई। उस परंपरा में साधु महात्माओं ने और हमारी बिरादरी ने, ए महिला ध्यान दे, तुम्हारे दिमाग में है वही बाबा आए हुई हैं, सुनो हाँ सब लोग सुनिए, हाँ एक एक अक्षर पर ध्यान दो, हाँ इधर धा उधर जो भी सुनो वही मैं कहने जा रहा हूँ, इसीलिए हम लोग भिखारी हैं, इसीलिए आप लोग गांव में हैं झोपड़ी में हैं, इसीलिए हैं, क्यों ध्यान नहीं, बाबा बकर सुई हैं क्या करे कहा है? वो फलानी फलनिया उसका हित रहे और फलाने दिन फलाने जाए वहाँ प्याड़ा खाए और देवी चौरा भवानी अरे गाज पड़े, पहले मनई बन जाओ, मनई कहिका का अर्थ मालूम है? नहीं मालूम, पहले मनुष्य बनिए। अभी हमने तीन रायबली में बड़े बड़े वो थे सीनियर अरे क्या नाम महात्मा गांधी कॉलेज के रिटायर सीनियर प्रधान जी, प्रधान अध्यापक बुढ़े, एक साहब और रहे, एक साहब और रहे, तीन महारथी और एक दीक्षित रहे रुस्तमपुर वाले अखबार जौन बेचत, तीनों से एक सवाल ठोक दिया, हम कहा महाराज आप लोगों के सामने तो मैं जीरो हूँ शैक्षिक योग्यता में, हमसे कहो महाराज सर्टिफिकेट दिखाओ क्या दर्जा पास हो, तो एक दर्जा पास नहीं, हम एक दर्जा अव्वल नहीं पास किया ना, स्कूले नहीं गए, जाए रहे हमारे डर के और इम्तहाने नहीं दी, घर में कोई पुरुष नहीं रहा, बचपन में पिताजी ख़त्म हो गए थे, इसलिए ख़त्म हो गए थे कि हमको श्याम साधु बन के हमको ब्राह्मण समाज का रायबरेली का प्रतिनिधित्व करना था, कहाँ विश्व के सामने वर्ल्ड के सामने, ए दुनिया वालों इधर आओ सोचो, तीन सवाल हमने ठोंक दिए। क्या रामचरितमानस का मतलब क्या होता है सोचिएगा बाप लोग, फिर आएंगे दोबारा, मोबाइल नंबर नोट कीजिएगा, पर्चे हम दे देंगे, रामचरितमानस का क्या मतलब है जी। कितनी रामायण यहाँ हो गई गांव में, कितने मंदिर बन गए, एक सवाल है, अरे बाबा पहले हमका मुहार तो बताओ कि मकान आए महाराज या दरवाजा आए, दरवाजे का पता ही नहीं, मकान दिखाया जा रहा है, बैठे बैठने दो, नहीं करना चाहिए उनका, थोड़ा सा दरवाजा खुला रखना चाहिए, इधर आ जाओ इधर बैठ जाओ, ठीक नहीं वो ठीक नहीं, पहला सवाल हाँ जी कि रामचरितमानस का क्या मतलब होता है जी जी। अरे यार पहले ककहरा तो जज सीखो, कमाने कबूतर खमाने खरगोश आवत रहे और इंटर के ये मोटी मोटी किताबें बगल में दाब के और जा रहे हो, मास्टर साहब आपका पढ़ाई रहे हैं, वो फीस भी आपसे दे रहे हैं ना, उस मास्टर को मालूम है कि कमाने कबूतर होठ है कि कमाने खरगोश होठ, नहीं जानता अन विद्यार्थी जानता है, यही अंधविश्वास में जकड़ा हुआ मेरा समाज, इसी में हम लोग भिखारी बन गए, हम लोग भिखारी हो गए अंध समाज के कारण, रोज एक त्यौहार ससुर त्यौहार ही मनाते रही हो, का किसी से गरीब से पूछा जाए कभी गरीबी से लड़े हो कोई जवाब नहीं दे पाएगा, हाँ
गरीबी से लड़ना नहीं, वो गरीबी और पैदा करता है। खिचड़ी के दिन और कुछ त्यौहार हैं, बढ़ई पढ़ाई पढ़ाई पता नहीं क्या क्या है, वो आज बता के मनाई, आप मनाओ चाहे ना मनाओ। इस भगवान ने अथाह धन दौलत से पैदा किया, अथाह संपत्ति दे डाला और स्वभाव बना देने एकदम विरक्त। क्या कि किसी के भी कष्ट को समझो, गाय गधा कुकुर मनई सबके जो तकलीफ को समझे वही मनुष्य है, वही का मनई जाने हो, सीखा, वही मनई है, वही मनुष्य है जो सबकी पीड़ा का समझे। तुम्हें पीड़ा हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, कुकुर हुए बैठे अपन आराम से औंघा रहा है, भैंसी बैठी है अपन मारो मार पगड़ाए दे रही, चुके जानवर है वो। और वही के नकल अगर आपने किया तो उसमें आप में फर्क क्या रह गया। इसलिए सबसे पहले मनुष्य बनो, मनुष्य किसे कहते हैं ये जानो। अरे पहले मनई बनो, फिर बाद में मंदिर बनाओ, चाहे मंदिर जाओ, चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे गंगा कुछ भी करो, पहले मनई तो बनो, पहले ये तो जानो कि मनुष्य किसे कहते हैं, रामचरितमानस का मतलब क्या है, है? दरवाजा क्या पता नहीं, मार बिल्डिंग बन रही है, मार ढोल बज रहा है, वो अगर वो सुलग रही है बत्ती आओ सुगंध हो, सब दरबान खड़े हैं, अरे भैया इसका दरवाजा तो बताओ। मकान का दरवाजा किसी को मालूम नहीं, पहले मकान का दरवाजा बनाओ, चाहे इतनी बड़ी कोठरिए हुए, है ना कायदे की बात। इसलिए मनुष्य की पहली पहचान है कि प्राणी मात्र गाय गधा कुकुर बिलार छुछुंदर चूहा सांप जौन हुए, वही का तकलीफ में देखो तो मदद करो। बच्चे खामोश रहो, खामोश रहो, चुप रहो, चुप रहो। उधर अभी नहीं हमको देख पाया, वो नहीं समझ पाया कि कहाँ से मना किया जा रहा है। बच्चे बच्चे और सुन लीजिए, ये भगवान बैठे हैं, इनसे बड़ा कोई महात्मा नहीं है, सत्य महाराज, इनसे बड़ा कोई महात्मा नहीं है। लेकिन हमारे समाज में अभी कोई आ जाए, हम तो ज़्यादा नौटंकी वाले, हम कर चुके कमाई तो करना नहीं, तब हमारे देश विदेश में नाम है, अभी कमाए लगी तबू नाम हुई, लेकिन थोड़ी दिन के बाद हम जेल के भीतर डाल दिए जाएंगे, जैसे आजकल हो रहा है। अभी कोई ऐसा बाबा आ जाए नाटक वाला, मैं घंटा मार गाड़ी हम तो जितनी मेहरारू, अरे बड़ा शक्ति यार बाबा आवाए बच्चा जा 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 पैर छू के पैर छुओ, और बच्चे 10 बार कहो तब वो पैर छूते हैं किसी का, क्यों? ये भगवान की लीला है, और भगवान ने उसके दिमाग में भर दिया है कि अरे तुझसे बड़ा कौन है। बच्चा हर जगह, हम अगर कहा कि बच्चे महात्मा हैं, तो अगर किसी के मन में सवाल हो तो हमसे सवाल करो कि महाराज कैसे हमने कह लिया कि सबसे बड़ा महात्मा है, उसका जवाब है मेरे पास। आप सवाल करो न करो, उसका मोटा मोटी हम बता रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा महात्मा ये है, यही के आगे गुब्बारा रख दो, यही लैया गुलैया बतासा रख दो, और नोट के बंडल हुए रख दो, 500-500 वाला नोट, और खूब घर भर के जेवर ला के रख दो। वो बच्चा क्या करेगा, वो 2 पैसा के तुम्हारे गुलैया ले लेगी, गुब्बारा ले ली, लेकिन तुम्हारा नोट के बंडल न, सोना चांदी नहीं लेगा, तो वहाँ बच्चा पास हो गया। और आजकल के जो बाबा बड़े बड़े बाबा घूम रहे हैं गाड़ी से, उनका अपने गांव बुलाओ और नोट के बंडल धरो, और दूर से ऐसा कैमरा छिपा के लगाओ कि बाबा समझ न पाए, देखो कह दे बाबा नोट के ऊपर निगाह बाबा की जा रही है, यह बात वह बात वही नोट, यह बात वह बात वही नो, वो साला बाबा कहाँ रह गया, कौन बाबा है वो, ये जो मेरा अंधा समाज है, है? इसी बाबा भेष में रावण ने सीता जी को छला, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुली आज तक। जी जी जी, गुरु करे जान के पानी पिए छान के, बाबा के दाढ़ी मत देखो, बाबा के भावकाल ना देखो कि बाबा के जटाएं कितनी बड़ी बड़ी है, कितना उन्हें गुलर के दूध लगाए हैं, यह मत देखो। बाबा करता क्या है,
बाबा करता क्या है, कहता नहीं है, कहे तो सदे कही, बाबा करता क्या है सुबह से शाम तक? तो बाबा जो कहता है वही करता है। गाय गधा कुत्ता सुअर हम सब उठा लावा, जमींदार परिवार में पैदा हुए, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, और यही कार्य को तारीफ को देख के दुनिया ने हमको पागल कहा। हमारे परिवार वालों ने जितना हमको लूट सके खूब लूटा, कहने साला पागल है ये, वो लूटते गए और मरते चले गए, कोई ससुराल बुढ़ापा नहीं देख पाया। फिर भी हमने भतीजों को समझाया, हम कहा देखो बाप ने तो भोगा है, तुम लोग ऐसा मत करो। लेकिन भतीजों ने मन में सोचा कि अरे वो मारी नहीं 1 लाख, हम तुम्हार मारा 3 लाख, तो मारो। और 3 साल के अंदर जो बैठे रहे सिंहासन में, वो सिंहासन छिन गवा। एक एसपी साहब रायबली में नए नए आए, उन्हीं के बंगले के पास हम बंदर खवाई रहे, बेटा एक तो तुम अब बैठ जाओ, तुम अब थक जाओगे, हाँ इनको कुर्सी दे दो, दिखे आप वहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, हर तरफ निगाह रखनी। देखा ना, आपसे बात कर रहे हैं, दुनिया की बात बता रहे हैं, लेकिन मेरी निगाह है, ये बालक खड़ा है इतने देर से, उसको बार बार दिक्कत हो रही होगी, यही का मनाई कहा, सबके दुख का समझो तो मनाई आए। तो एसपी साहब आए नए नए, भगवान के दया से रहे सरजू पारी। अब सरजू पारी बाभन को हो थे जनते हुई हो, माफ करना यहाँ अगर कोई सरजू पारी हो, मतलब उनकी क्वालिटी क्या होती है, उनकी कोई वंशावली नहीं होती है, भगवान राम ने नहीं सुना होगा, हो रहा है भाई वही करही बरही रहा, तो कहें इनका बुलाओ, कहें भैया कोई पंडित नहीं खाएगा कि आपने ब्राह्मण की हत्या किया है, कहें सरजी उपास से बुला लाओ सबका, सबका डालो एक एक जने हुए में सब आए, सब जनो पहन पहन कहीं हम तेवारी हम इसरा, उनकी वंशावली होती है महाराज ब्राह्मणों की, और जो वंशावली ब्राह्मण है फिर वही ब्राह्मण, अब भले दारू पीने लगे मांस खाने लगे तो उसका बहिष्कार कर देना चाहिए, बट उसको ध्यान दीजिए, आप उसका ध्यान देंगे। अब जब के छत्री लोग कहीं हैं, वो तुलसीदास ने लिखा, हमने कहा तुलसीदास ने जब लिखा वो समय कौन सा था, क्या बेकूफ़ी के बात करते हैं, तुलसीदास के ज़माने में भी कितने की दिक्कत रहा मालूम है, 1 पैसा के 1 शेर, सुने हो 1 पैसे का सब 5 तांबे का पैसा कलर था, छदहा चला एक मुड़वा पर पैसा चला तांबे का, तो 1 पैसे का 1 शेर घी तो उसके दास ने खाया होगा, तबे पैसों ना रहा हुई तो सिक्का चलन रहा हुई, उस जमाने की बात आज आप करते तुलसीदास की तुलना आज करेंगे आप, जमाना कहाँ से कहाँ भयानक, कितना भयानक समय हमारा आ गया है, कितनी भयानक स्थिति आ गई हमारे यहाँ, इसलिए पहले सबसे पहले मनई बनाओ, मनुष्य बनाओ। लेकिन हमारे क्षत्रिय समाज में दिमाग में भरा है, अब तुलसीदास जो लाइन लिख दे वही पकड़े, कितनो हो कितनो गुणहीना कौन हीना, नहीं लिखा सब कि विप्र गुणहीना, अरे जब लिखा था वो दूसरा समय था महाराज, मैंने बचपन में अपने सतयुग देखा है, और सब जाए छोटा जब मैं था सत्य महाराज सतयुग देखा है, गाँव में अपने रहा करते थे, बनारस में रहे थे, रायबरेली में रहे थे, गांव थोड़े दिन रहे, पटना में रहे, ऐसे ऐसे मकान थे, ऐसी ऐसी हवेलियाँ थी जहाँ हमारे बाप दादे एक रात सोए नहीं पाए, उनका टाइम ही नहीं मिला, तो थोड़े दिन गांव में भी रहे, अब वहाँ देखी बुढ़िया का देखे घिन लागे उनका, और जो पहले जाए हो जाए, ये देखिए वो ठकियोग मैंने देखा, बूढ़ी बाढ़ी महरिया अब हम तुलसीदास की तुलना हम आज करें नो, आज जरूरत है कि हम ये पहले जाने कि हम मनुष्य को बने, पहले के समय में जय के तन को धन बढ़ा हुआ और धर्म सादा कुआं और धर्मशाला मंदिर, यही मनाई करावट, तालाब खुदवा दे, तालाब पटवा के घर बनवाओ, जूठी बंदूकें तान ले। अच्छा महाराज जी, तालाब बनवाने का क्या अभिप्राय था? सारे जीव जंतु पानी पिए, जी हाँ, उसी में उसकी पूजा की जाती थी, ब्याह शादी में रस्म बना दिया गया था, तालाब की पूजा होती थी, कुआं की पूजा होती थी,
आडम्बर रही। ये सब हमारे प्राणदाता हैं जी, तालाब हुआ कुआं हुआ ये हमें जल देते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए देव माने गए हैं, जैसे जिस वृक्ष के नीचे हम बैठे हुए हैं 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, बिल्कुल। तो इसे सर्वोपरि माना गया वृक्षों में, बिल्कुल। वैसे ही महात्मा जो हैं, इन सामान्य आत्माओं से महात्मा, जिसे महान आत्मा हो, जो सबके बारे में सोचता हो, जो महान कार्य करे, महान कार्य, जी हाँ, बकना इस लोक सुनाना ये महान कार्य नहीं है। अरे बकना तो बहुत आसान है, नारद जी बोले ओ शंकर जी ने सुना, अच्छा तुम का बोले, तुम का किए, यह हो तो बताओ। अब हुआ हराई जोत के ट्रैक्टर लेके जोत बाय के पसीने से बता रहे हो, और घर में तुम्हारी श्रीमती जी पाक पुस्तिका लेके बैठ गए, गाजर के हलवा ऐसे बनता है, नान रोटी ऐसे बनती है, अब मूँगफली, यानी दुनिया भर के तुमका कथा सुना में तो मार दे हो झापड़ घटी। तो हम अभी आवा है मर जर के नहाए के खाए के फिर जाए का है, फिर पानी लगाना है या करना है, उस वक्त तो आज झापड़ मार दोगे। ये जितने लोग पकड़े आते हैं कथा सुनाने आते हैं, इनको झापड़ मार दो, भगाओ। तो महाराज पहले स्वयं करो, राम की कथा बाद में सुनाओ, पहले राम के आचरण में चल के तो दिखाओ। राम कथा हम सुन रहे हैं, आप अच्छा प्रसाद ले लो तो फिर जाओ मिटवा। आज तक पूछा महात्मा जी से कि महात्मा जी राम कथा कहे कहे आप बुढ़ाए गए, क्या तुम्हारी बिटिया सीता बन पाए, क्या अपनी अम्मा का सीता बना पाए, आप खुद नहीं अपने आप को बना पाए, मुझे गंधा रहे हो तो तुम हमारी सफाई क्या करी हो, बहुत अंधा समाज है। इसलिए मेरा यह कहना है, वेद में यही लिखा हुआ है कि पहले मनई बन जाओ, किसी को तकलीफ में देखो तो उसकी मदद करो जो तुमसे हो सके, बस। इससे बड़ी ना कोई पूजा है, ना कथा है, ना भागवत है। अब मन को समझाने के लिए आप बजरंगबली के मंदिर बनाए ठीक, लेकिन हर शनिवार को या हर मंगलवार को इसमें कुछ छुआ करके और बंदर तक पहुँचा दो। गांव वाले जो है एक रोटी आधी रोटी प्याज ले लिए, आलू ले लिए, कुछ ले लिए, बंदर तो हर चीज खाता है, और वहाँ में हनुमान जी में छुआ में जाते बंदर को दिया। कुछ दिन में ऐसा चमत्कार होगा कि भंडार आपके यहाँ भरने लगेगा। कोई समय था कि 5 रोटी हम बंदरों को छिपा के ले जाते थे, नौकरी चाकरी किया नहीं तो छिपा के ले जाए, श्रीमती जी पढ़ावे जाते रहे स्कूल में तो चौराहे के रोटी ले जाइए, एक वो समय था। आज ये समय है कि मेरे यहाँ कितना सामान रखा है कि हम उसको खर्च नहीं कर पा रहे, ये कंडीशन बजरंगबली ने बना दिया अपने आप में। मांगे नहीं कर तो गए, मांगन से मरण भलो कर गए दास कभी, भूखे मर जाओ मांगो मत, सुना दे भाई 3 दिन से अगर बाप भूखे हैं तो सुना दे, क्या बताने आज 2 दिन से हम भोजन नहीं किए, बस दोबारा नहीं सुना देव मांगो मत। देखिए अपने आप आपका काम गुड़ का टुकड़ा और करवा देख रहा छोटे प्रभु की सेवा, चाहे आप हनुमान जी के भक्त हो तो बंदर को खिलाइए, शंकर जी के भक्त हैं तो नंदी की सेवा करें, गांव में बहुत से बूढ़े बैल होंगे नहीं नंदी मिलता है, सतलाबाद तक तो आए बैल मने बेच तो कोई का कटवा रहा है तो उसकी जगह किसी प्राणी को दे दो। ना ना ले, 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 शांत रहिए बेटा, चुप रहो। क्या है? अरे लड़का बाल हट तो आए नहीं, माँ हो तो गोल में ले ले उसको, चुप करा दे। तो कहने का मतलब है कि अगर भगवान से कुछ लेना है तो भगवान की सेवा, हट हट अंदर जाओ, चलो हटो, प्रसाद। हाँ हाँ, उसको बच्चे जो रो रहा है उसको दे दो, बुला के दे दीजिए। अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल अपता वही वही है ना, जैसे वो हो एकदम सब बच्चों को पहले दीजिए आप, प्यानों को बाद में, जाओ बच्चे ले जाओ, तुम भी लो ले जाओ।
पहले सबसे छोटे बच्चे को दीजिए बांटने वालों, यही तो मनुष्यता है। पहले मनुष्य बनो, यही हमारी मनुष्यता खत्म ना, पहले मनुष्य की निगाह बनो। सुनो तो गुनो, कुछ करो। कुल मिला के मतलब ये है, पेड़ पौधा पशु पक्षी ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है, आप इनकी सेवा कीजिएगा, आप भगवान का काम कीजिएगा, भगवान आपका काम करेंगे। आप भगवान का काम नहीं कीजिएगा तो चाहे जितना पूजा करो, चाहे मूल काट के मंदिर में चढ़ा दो, अगर सुई के लोग बराबर तुम्हारा भला हो जाए, उनका गांव बुला के बीच जूता मार दी, हम तैयार। सुई के लोग बराबर अगर आपका काम बन जाए, कुछ नहीं बनेगा। हनुमान जी ये कहेंगे, अच्छा हमारे नाम से तुम शरबत खुदे ढकोलो और अपने बिरादरी का ढकोलवाओ और हमें बंदर का कुछ न दो। तो बजरंग बली वो गंगा मरी है ना, आदमी चारों खानी चित्त हो जाएगा। भाई वही काम अगर आपके साथ किया जाए, घर के लड़का बच्चा मेहरिया भूखल मरे और तुम वहाँ जाके पूरी हलवा बांटो, गलत है ना, पूरा गांव क्या कहेगा आपको। पहले परिवार से शुरू होता है, पहले घर में चिराग जलाता है आदमी दिवाली में, तब मंदिर में जाता है। तो नियम से काम करो, हमारे यहाँ कोई काम नियम से नहीं कोई करता है, सब उल्टा। कहीं फलाने कहे जाने रामायण बैठ हुआ, कहीं हो बैठा। अब ये नहीं समझ नहीं कि रामायण का मतलब क्या हुआ। रामायण, अरे रामायण कहो पढ़ो सुनो, कब जब तुम्हारे आँखों में आंसू आ जाए तब तो रामायण। अरे भोजन तो वो है जो पेट भरे, भोजन वही है जो पेट भरे, पेट भरा नहीं तो मर तुम लौट स्पीकर में चल रहा है, हाँ भक्तों खाए रहो खाए रहो, उम्र रहे भूख। तो अंधा समाज है, उल्टा समाज है। आप भगवान का काम कीजिए, भगवान का आप काम करेंगे, भगवान आपका काम करेंगे। बाबू सीधी सी बात है, न किसी बाबा के पास जाने की जरूरत, न कहीं वो मंदिर में जाके भीख मांगने की जरूरत। भगवान ने सबको हाथ पर दिया, भगवान ने यह नहीं कहा कि भीख मांगो। बहुत तो बोलते हैं कि भगवान हम ही हैं। हाँ 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 हम ही हैं। अच्छा नहीं नहीं बोल नहीं बोलते तो हैं बहुत ऐसे, नहीं नहीं उनसे यही पूछा जाए, घमंड में चूर है वो बोलते हैं भगवान तो हम ही नहीं, आप तो है, लेकिन हमको ये बता दें कि जब मौत आएगी तो अपनी मौत को रोक के दिखा दो तो हम आपको भगवान मान लें। अपनी मौत को आप नहीं रोक पा रहे, रात दिन भगवान की सेवा करिए हाँ। और घर में अशांति फैला के रखिए तो वो सेवा ठीक है ना, ना, ना। है? एकदम नहीं, रात दिन आप भगवान की पूजा करिए, कुछ नहीं और घर में अशांति फैला के रखिए। घर में क्या, घर में गांव में पहले अपने घर को संपन्न बनाओ, अच्छा से बना के रखो, संस्कार संसार में संस्कार, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो हमारी पूजा करो बस, और नहीं तो आपको आने की जरूरत नहीं, आपके हम हृदय के अंदर बिल्कुल, जब डाकोगे तब हम आपको आप सामने देखेंगे। एकदम सत्य है, वो तो एकदम सामने रखा है। सबसे बड़ी पूजा यही है कि अपने परिवार को अपने घर को सबको शांति भावे को खिला पिला के रखता, वही सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी पूजा। और एक पूजा ये भी है कि वो खिला पिला के तो रखा जाए ही, लेकिन हमें जीव जंतुओं पे भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आपने जीव जंतु वही हैं घर के, वो नहीं नहीं पहले नहीं जीव जंतु को रख नहीं, जी 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 ठीक आपका कहना है, उसके लिए बात ये कहना चाहिए हम लोगों के साथ वो भी शामिल है कि भगवान ने मंदिरों में, भगवान ने मंदिरों में सारे जानवरों को बैठाया, पंडित जी को नहीं बैठने दिया। हमारे पंडित बिरादरी के लोग भी पहले इतने ईमानदार थे कि सारे जानवरों को मंदिर में तो बैठा दिया, खुद नहीं बैठे, तभी ब्राह्मणों की पूजा होती थी। खुद नहीं बैठे उन्हें बैठ जाते, खुद नहीं बैठे जानवर को बैठे, अगर पंडित चाहता तो खुद बैठ जाता और को न बैठने देता। इसलिए मंदिर में जिनकी आप पूजा करते हैं सबसे पहले उनको देखिए, परिवार जो है ये आप सुखी संसार सुखी तो कोई बात नहीं हुई, परिवार को देखिए लेकिन साथ साथ इनको भी अपना परिवार मानिए, अपना परिवार मानिए। मंदिरों में सारे जानवरों की पूजा की जाती है,
तो पत्थर के नंदी में आप पानी चढ़ा रहे हैं, पत्थर के नंदी में। और एक गांव में बूढ़ा बैल है, उसके घाव हैं, मक्खी नोच रही हैं। अब जो आदमी है उसका मालिक कसाई टाइप का है, राक्षस है, नहीं ध्यान दे रहा है। आप ही वहाँ हमारे यहाँ के चारों तरफ दौड़ रहे हैं। को हम देखते हैं, सुनिए, दो ठो कुत्ता थे, पूरे पूरा बदन खा गया, वो सब मरने वाले हैं। एक 100 रुपया का दवा मंगा के उनको 3-3 बार दवा, बहुत गर्म हो गया है। अच्छा और सुन लीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस कुत्ते को खौरा हो जाए, खौरा रोग, उस कुत्ते को ये ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल काला तेल जो निकलता है, काला वाला एकदम जो तेल निकाल के वो हो जाता है, बस कर, बंद कर। उस तेल को कपड़े में भिगो करके कुत्ता आपके जान पहचान का हो, नहीं जान पहचान का है तो आप कप में किसी बरकटोरी में तेल को डालिए, और जब कुत्ता लेता हो तो जाके डाल दो, तो जितनी दूर तेल उसके लग जाएगा वो खौरा ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी दवा है, एक पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। हमारे जानवर की सेवा करते 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 हम बूढ़े हो गए। सुनो, तो गधे तक जो है महाराज जी पड़े होते थे, जो गधे 150 गधों का अब तक इलाज किया है, अजगर उठा लाए, सांप उठा लाए, सुअर उठा लाए, हमसे कुछ बचा नहीं। ये प्रभु की लीला थी, उन्होंने हमसे करवाया। अब लोग कहें यार ये कैसे पंडित है, तो पंडितवा बैलागा है, जिम्मेदार परिवार का आदमी और ये कर रहा है, कहेंगे तो पागल। श्रीमती जी आई धर पकड़ के, वो कहें कहीं तुम बैलान नहीं तो हो को काहे में नंगे घूमे थे कि कपड़ा फटे का है। कहें बड़े बड़े शंकराचार्य हुई गए, ध्यान दीजिएगा, कहें बड़े बड़े शंकराचार्य हुई गए, कोई गधा पकड़ के लावा अपने आश्रम में। क्या बात किसने कहा, वही रसना वाली बात आ गई। अरे हमारे लगा कि हैलोजन जल गया दिमाग में, 1000 पावर की बत्ती जल गई। हम कहा वाह, औरतों से ही तो ज्ञान होता है अंत में। कहें बड़े बड़े शंकराचार्य हो गए, कोई गधा पकड़ के लावा। अरे जाओ नाक कटाए हो हमारे। अच्छा, यही बोली रही, तब हमारे मुँह से निकला, अरे शंकराचार्य से प्रभु ने यह काम नहीं करवाया और मुझसे करवा दिया, एक सर्टिफिकेट हमको मिल गया। तब से मेरा हौसला बढ़ गया और तेजी से करने लगा। आज इस मुकाम पर है कि एक गैर पढ़ा लिखा आदमी और पढ़े लिखों को ढूंढता है, कि जो डिग्री के ऊपर डिग्री या और डिग्री वाले हों, उनसे ही सवाल है। हुजूर, कहीं आपने मनुष्य देखा है? मनुष्य किसे कहते हैं ये बताइए, हमको सिखाइए आप, हम तैयार हैं सीखने को। बताओ तो मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य के लक्षण क्या है? कोई नहीं जानता। एक औरत ने कहा एक बार, हम भाषण दे रहे थे, बेटा इधर खड़े हो जाइए, तो भाषण मेरा ऐसे चल रहा था लाउड स्पीकर में, तो एक औरत ने कहा कहें महाराज हम तुमका मनाई नहीं जनाइत का। भाई सवाल तो दाग दिया, अब हमको तो जवाब देने ही देना है। तो ये कहानी पहले से मन में हमारे थी, उसका एक मनगढ़ंत कहानी थी, तब तो हम अपने आप को बचाएंगे। हम कहाँ, एक बार बताओ, एक मंदिर में सेवलिया में हम देखा, वैसा मनगढ़ंत कहानी है हमारी। हम कहाँ, एक हम जाइत रहे, एक सेवलिया मिल गई, तो हुए हम ऐसे आराम करे लगे, थोड़ा जुड़ाए लगे, तो उत्ते में देखा कि एक मेहरारू आई इतनी बड़ी घंटी लेके और टांगी सब तार से लपेट दी और चली गई। थोड़ी देर में एक मेहरारू के देखा, वो ऐसी निहारी ऐसी देखे, फिर हमारे तरफ देखे, हम जान बूझ के आँख धीरे से मूंद लिया कि जन्म दी कहाँ है। अब फिर जब वो मुड़ी तो फिर आँख खोला, तो देखा वह मेहरारू वो तार का जल्दी जल्दी खोल रही है और घंटी लेके बगल में दाब करके जाए लाग। तब ऐसा कहा, हम कहा हाँ हाँ ये क्या कर रही है, और घंटी हुए बहा के वो भाग गई। तो हम कहा ये बेटा इधर आओ, लोग सुन रहे हैं, बीच में नहीं आना चाहिए, बस यहीं बनाओ, यहीं खड़े रहो। हाँ, ये बताओ तुम कौन सी मेहरारू हो, घंटी टांगे वाली और एक ही घंटी उतारे वाली? कोई जवाब नहीं था उसके बाद। ये बताओ कौन सी औरत हो, हम कैसे तुमका मनाई जानी?
तुम्हें मूले में दिखा है का? चुप हो गई। तो कहने का मतलब कि मनुष्यता, मानवता। एक हमारे यहाँ भुवन पांडे जी बड़े